सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने फ्री फायर आईडी के बारे में। अगर गाइस आप लोग अपने फ्री फायर आईडी को ट्रांसफर करना चाहते हो गूगल में या फिर फेसबुक में, तो कैसे ट्रांसफर कर पाओगे ये मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है आपका फेसबुक अकाउंट किसी कारण से बंद हो जाता है या फिर हैक हो जाता है, ठीक है, जिस कारण से गाइस आप लोग अपने फ्री फायर आईडी को ओपन नहीं कर पाते हो, ठीक है। और इसके वजह से आप लोग चाहते हो कि अपना फ्री फायर आईडी को ट्रांसफर करना फेसबुक में, जीमेल में, तो कैसे कर पाओगे ये मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना। अगर गाइस आप लोग का अकाउंट जीमेल से है और आप लोग फेसबुक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, अगर आपका अकाउंट फेसबुक में, ठीक है, और आप लोग जीमेल में ट्रांसफर करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले इतने बड़े चैनल पर नहीं पहली बार चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन और प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए प्रॉपर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं कि आप लोग का जो अकाउंट है वो किस में है, ठीक है। अगर आप लोग का अकाउंट यहाँ पे जीमेल में, ठीक है, या फिर आपका अकाउंट फेसबुक में, तो आप लोग जीमेल में ट्रांसफर करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, चलो आपको ए टू जेड अच्छे से बता देता हूँ। तो गाइस देखो आईडी को ट्रांसफर करने के लिए आप लोग क्या करना, ऊपर में जो सेटिंग का आइकन मिला इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने को इस टाइप से ऑप्शन मिलेगा और नीचे मिलेगा कस्टमर सर्विस का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जहाँ पे गाइस आप लोग को कुछ इस टाइप से फ्री फायर लिख आ जाएगा और आप लोगों का जो आईडी में नाम होगा वो साइड में वो शो करेगा, ठीक है। सिंपल सा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, वो जो नाम आ रहा है उस पर क्लिक करना और सबमिट और रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप लोग देख पा रहे हो। आपको यहाँ पे करना स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे से आना है और यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा खाली कॉलम का, ठीक है। आपको यहाँ पे करना गेम कनेक्शन का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे गाइस आप लोग को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे से आना है, आपको फ्री फायर का नाम आईडी आ जाएगा और यहाँ पे गेम टाइप देना है। आप लोग को यहाँ पे नीचे क्वेश्चन फ्री फायर फेसबुक का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे टिक लगाने का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक कर देना। और गाइस आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे गाइस जो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको यहीं पे वही लिखना है, ठीक है। आपको लिखना क्या है और जो भी लिखना है गाइस वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना बस, ठीक है। बस यहाँ पे देखो मैंने पेस्ट कर दिया, आपको भी इसी टाइप से पेस्ट कर देना है। अगर आपको नहीं आता है कि डिस्क्रिप्शन से कैसे कॉपी किया जाता है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ लिखने के बाद गाइस आप लोग को नीचे ऐड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप लोग ऐड फाइल कर लेना और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप लोग सबमिट कर लेना, ठीक है। और आपका रिक्वेस्ट ले जाएगा गहना के पास, ठीक है। और आपका पढ़ने के बाद आपका आईडी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एक मेन पॉइंट आपको बताता हूँ, एक चीज, ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। देखो यहाँ पे जो मैंने किया है फेसबुक से जीमेल में ट्रांसफर करने के लिए सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग को फेसबुक से जीमेल आईडी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, अपना आईडी करना है, ट्रांसफर कराना है, तो ये सेम टू सेम लेने देना। अगर आपको क्या बोलते हैं जीमेल से फेसबुक में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए गाइस आप लोग जहाँ जहाँ फेसबुक लिखा हुआ है वहाँ गूगल अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट लिख देना, ठीक है। बस आपको यही चेंज कर देना, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है ये लिखा है कि फेसबुक अकाउंट से मेरे को जीमेल में लेना है आईडी को, ठीक है। इसीलिए क्योंकि देखो हर बार क्या होता है फेसबुक अकाउंट ही हैक होता है लेकिन जीमेल अकाउंट बहुत कम हैक होता है, तो आपका जीमेल है तो जीमेल में रहने देना अपना आईडी को, और फेसबुक में होगा तो आप लोग स्टेप से आप लोग चेंज करा सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखो जितना भी इंफॉर्मेशन था सब कुछ मैंने इस वीडियो अंदर आपको बता दिया और अच्छे से समझा भी दिया। देखो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नहीं पता, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से तो यार कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और सबमिट करने के बाद देखो कुछ इस टाइप से आपको सबमिट लिख के आ जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और कुछ घंटे में या फिर कुछ दिन में आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा जो भी होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको रिप्लाई पढ़ लेना एंड आपको जो भी जवाब देना दे देना, ठीक है। बाकी चलो गाइस जितना भी कुछ सब कुछ मैं इस वीडियो में बता दिया, समझा भी दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम। प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम, ठीक।